हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। मेरे साथ में हीरो पैशन एक्सटेक, इसका वॉक अराउंड ऑलरेडी मैं कर चुका हूं जो कि चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैशन एक्सटेक के अंदर ऐसा क्या ऑफर किया गया है हीरो की तरफ से जो इसको 110 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे अलग बनाता है। क्यों आपको इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए 110 सीसी के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आपको पैशन प्रो को लेना चाहिए, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 110 सीसी कैटेगरी के अंदर आने वाली दूसरी बाइकों के कंपैरिजन में इस बाइक को नंबर वन पोजीशन पर लेकर आते हैं, क्यों आपको हीरो पैशन एक्सटेक को कंसीडर करना चाहिए अगर आप एक 110 सीसी या 125 सीसी की बाइक देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा इसका हेडलैम्प। जो इस बाइक का हेडलैम्प है वो आपको फुली एलईडी यूनिट देखने को मिलता है। एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो 110 सीसी के अंदर आपको अदर बाइक्स में भी मिलते हैं, जैसे कि स्टार सिटी प्लस में आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एलईडी है वो डुअल प्रोजेक्टर के साथ में दिया गया है, तो इसकी विजिबिलिटी जो है वो नॉर्मल एलईडी हेडलैम्प के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगी। तो ये एक पहला पॉइंट होगा जिसकी वजह से आपको पैशन प्रो को कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको बड़े टायर्स देखने को मिलते हैं 18 इंच के, और यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में बाइक आती है तो दोनों ब्रेक्स जो है वो साथ में काम करते हैं। टायर बड़ा होने की वजह से आपको एक तो माइलेज अच्छा देखने को मिलता है, साथ में ब्रेकिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट होगा इस बाइक का इंजन। यहाँ पर जो आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, ये 9 bhp की पावर जनरेट करता है 9.79 nm टॉर्क के साथ में, और 4 स्पीड का गियरबॉक्स आपको देखने को मिलता है। तो अपने सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस बाइक की जो पावर है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी पावर आपको ये बाइक जो है वो निकाल कर देती है। इस बाइक के साथ में आप इजीली 105-110 किलोमीटर पर आर तक की टॉप स्पीड अचीव कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी डिज़ाइन ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर के साथ में बाइक आती है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। टैंक एक्सटेंशन होने की वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बल्कियर लगता है और ये काफ़ी प्रीमियम फील देती है। बाकी ये रेड कलर के अंदर आपको बाइक कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा इसका मीटर कंसोल। इस बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये फुल डिजिटल यूनिट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा ओडो के साथ में, साथ में ट्रिप भी आप जा सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पर फ्यूल गेज भी आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट और नेविगेशन नहीं दिया गया है, सॉरी, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिलता है, तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है इसके मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है ये। इसके अलावा हीरो अपने सभी बाइक्स के अंदर और पैशन एक्सटेक के अंदर आपको देता है i3s टेक्नोलॉजी, जो कि हीरो की पैटेंट टेक्नोलॉजी है, जो कि आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। और हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी सारे ब्रांड्स के अंदर आ गई है, लेकिन 110 सीसी कैटेगरी के अंदर केवल पैशन एक्सटेक के अंदर आपको देखने को मिलती है। और i3s के अंदर बेसिकली आइडियल स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और होता क्या है इसमें वो मैं अगर बताऊँ तो ये बाइक अगर आप स्टार्ट करोगे, जैसे कि अभी ये स्टार्ट हो गई है, तो कुछ सेकेंड्स के अंदर ये बाइक जो है वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। और तब तक मैं आपको इसका हेडलैम्प दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे तो इसका हेडलैम्प जो है वो कुछ इस टाइप की विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। ये फुली एलईडी यूनिट है, जहाँ पर आपको ये नीचे प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे और ये डुअल दिए गए हैं, ऊपर आपको ये हाई बीम देखने को मिल जाता है। तो ये हेडलैम्प कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि बाइक जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से स्टार्ट नहीं हुई है, तो अप्रोक्स 30 सेकेंड तक बाइक स्टार्ट रहेगी, उसके बाद ये बंद होगी। और उसके बाद में अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो केवल क्लच का यूज़ आपको करना है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद लगभग 5 सेकंड के अंदर बाइक वापस से बंद हो जाएगी। तो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस बाइक को ऑफ होने में।
बाकी प्राइसिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 78,900 रुपीज़ डेली एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आपको मिलेगा, और ड्रम वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 74,000 रुपीज़ डेली एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स आपको देता है, मॉडर्न टेक आपको देता है और स्टाइलिश लुक आपको प्रोवाइड कराता है, इसलिए मैं 110 सीसी के अंदर ये बाइक मानता हूँ जो कि अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे लुक्स और फीचर्स प्रोवाइड कराती है। बाकी इस बाइक को हम जल्दी कंपेयर करेंगे इस सेगमेंट में आने वाली दूसरी बाइक्स के साथ में, तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।